यहाँ देखिए जो हेडिंग है एक्सपेंडेड फार्म में क्या होता है विस्तार ग्रुप, यहाँ पर शॉर्ट नंबर दिया जाएगा शॉर्ट में, जैसे 75 दिया है यहाँ पर, और इसको 75 को आपको एक्सपेंडेड फार्म में डाइट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 सबसे पहले राइट करेंगे, और 5 जो है आप 5 जो है 5 के जगह पर 5 के स्थान पर आपको 0 राइट कर देना है, प्लस करेंगे फिर 5 को यहाँ पर राइट कर देना है। अब देखिए 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 5 को राइट करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर अगर दूसरा हम नंबर लेते हैं 375, तो यहाँ पर 3 राइट करेंगे और 2 डिजिट ये आता है, आप देखिए 10 तक है, तो इसके जगह पर आपको 00 राइट करना है। फिर प्लस करेंगे 7 राइट करेंगे, और यहाँ पर देखिए 7 के बाद 5 है, यहाँ पर आ रहा है, और 5 के जगह पर आपको 0 राइट करना है। फिर आपको क्या करना है, आप 5 है तो 5 को यहाँ पर राइट कर देना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है आपका शॉर्ट से विस्तृत करना होता है, जैसे 375 है विच कॉल 300 प्लस 70 प्लस 5, ऐसे ही आपको राइट करना होगा। अगला हेडिंग है शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए अगला हेडिंग है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इसी चीज को एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होगा, यहां देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आपको 3 यहां पर राइट करना है, फिर उसके बाद 7 फिर 5। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जांपल 700 प्लस 70 प्लस 7, इसको भी 7 यहां पर राइट करिए, फिर 7 टाइप करिए, फिर 7 टाइप करिए, यह शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। अब हेडिंग हम देखेंगे ऑब्लिगस फॉर्म, यहां देखिए शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब दूसरा ऑब्लिगस फॉर्म, अब एक फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका जो चैप्टर नेम है नंबर्स अप टू 999, तो इसमें आपको 3 डिजिट का ही नंबर पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट लेना है, 3 डॉट या 3 स्टिक ले लेते हैं, और कोई नंबर दिया है जैसे 352, तो इसको आपको अबेकस फॉर्म पर शो करना है, तो शो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, जो ये राइट होगा आपका वंस प्लस का होगा या टेंस या 100, तो यहाँ देखिए वंस है तो यहाँ पर 2 दिया है डिजिट, तो यहाँ पर आपको 2 बार शो करना होगा, यहाँ पर दिखाना होगा, 2 बार बनाना होगा। 5 है तो 5 बार 2 3 4 5, 3 है 3 बार, तो ऐसे आपको अबेकस फॉर्म पर अबेकस पर नंबर को शो करना होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, हम 5 5 2 1, यहां देखिए 3 हम डाल लेंगे, 1 है 1 बार, 2 है तो 2 बार, 5 है तो 5 बार यहां पर बना देते हैं, और यहां पर लिख देंगे वंस टेंस
100। तो ऐसे ही हम अबेकस पर नंबर को शो करते हैं। अगला है डेट, असेंडिंग। सबसे पहले आप समझ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर यह जो ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऑर्डर में होता है। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऑर्डर, जैसे आप अपने छत पर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियों से आप जब नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो आप एक छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर बढ़ते हैं, उसी ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे अन्य भी हम नंबर्स इसमें जोड़ सकते हैं। तो यह जो फॉर्म है 1 2 3 4, तो ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऑर्डर में है, छोटे से बड़े क्रम में होता है, इसी क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए इसका जब हम अपोजिट कर देते हैं 5 4 3 2 1, यह जो ऑर्डर बनता है, यह जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहां देखिए हमने तो ऐसे बता दिया लेकिन क्वेश्चन में इस तरह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह हम ऐसे बता दिए कि यह ऐसे आपको राइट करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा 2 1 3 5 4। इसमें नंबर्स का ऑर्डर जो है निश्चित नहीं रहेगा। तो अगर कहता है असेंडिंग ऑर्डर तो इसको लिखिए असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऑर्डर में 1 2 3 4 5। और कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तब आपको क्या करना है, सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर लेना है, जैसे 5 है 5, इसके बाद यहाँ देखिए 4 3 2 1। इसके बाद हम हेडिंग देखते हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। और इसमें क्या होगा, फार्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन कर देते हैं ही 3 डिजिट। तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट और स्मॉल नंबर्स बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 5
फाइव एग्जाम्पल थ्री फाइव टू। अब इसका आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ देखिए सबसे हम छोटा डिजिट इसमें देखते हैं, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है आप देखिए इसमें टू है, टू को यहाँ पर राइट करेंगे, फिर इसके बाद थ्री है, थ्री को राइट करते हैं, फिर इसके बाद देखिए फाइव, ओनली वन हेडिंग आज यहाँ से काटना पड़ेगा ना, गर्मी क्या है कि यहाँ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम थ्री ले लेते हैं, थ्री फाइव टू, और इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का पालन करना है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे हम देखिए टू, इसके बाद थ्री, फिर फाइव, यहाँ पर टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे और फाइव। अब इसी चीज को हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर यहां देखिए, जो यह हम डिजिट लेंगे यह डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे बड़े से छोटे क्रम में, तो इसमें देखिए तो यह जो है इसमें बड़ा होगा फाइव, तो फाइव, फिर उसके बाद थ्री, फिर टू। अगर प्रश्न में जीरो थ्री वन करके दे देता है, उसके बाद कहता है कि आप इसका स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम आपको बताए हैं असेंडिंग ऑर्डर का यहाँ फॉलो कराना होता है। तो आप जीरो को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, जीरो को जब सबसे पहले आप डाइट कर देंगे तो यह जो जीरो है, जीरो का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको वन, फिर जीरो, फिर उसके बाद थ्री डाइट करना है। तो अगला हेडिंग हम देखते हैं, प्लस वैल्यू। यहाँ देखिए जो एडिंग है प्लस वैल्यू, इसमें क्या होगा आपका कोई नंबर दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं फाइव टू वन। अब इसमें आपको टोटली डिजिट जो है सभी का आपको प्लस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले वन का हमको फाइंड करना है, तो वन जो है वन स्पेलेंस पर है, टू है टेंस पर है, और जो फाइव है हंड्रेड प्लस पर है। तो वन जो है वन को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, वन आएगा यहाँ पर, टू को टेन से इक्वल ट्वेंटी, और फाइव को हंड्रेड से फाइव हंड्रेड। तो ऐसे हम प्लस वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल बताते हैं इसमें। इसके बाद अगला हेडिंग है इवन नंबर। तो ये इवन नंबर
नंबर्स हम कैसे मालूम करेंगे कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। यहां देखिए यह इवन है, यहां देखिए नंबर ऑफ पीपल टू, यहां देखिए एप्पल की जो संख्या है टू आ रही है और टू जो है एक पेयर बना रहा है, एक पेयर बना रहा है। तो जहां भी पेयर बनाएगा वह नंबर जो होगा इवन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल टू फोर सिक्स एट टेन डॉट डॉट डॉट। और जो इवन नंबर होता है वो दो से अर्थात टू से डिविजन होता है, टू से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑड नंबर, ऑड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में इसी तरह हम समझ सकते हैं यहां देखिए थ्री एपल है और थ्री एपल को हम अगर पेयर बनाते हैं तो एक एपल जो है यहां पर छूट जाता है। यहां देखिए इसका पेयर नहीं बन रहा है, जब इसका पेयर नहीं बनेगा तो यह हो जाएगा आपका ऑड नंबर। अब यह एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ऑड नंबर क्या होता है, जैसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से कोई भी नंबर्स अगर आता है तो वह नंबर्स ऑड नंबर होगा। तो यह आपका चैप्टर वन नंबर्स अप टू 999 समाप्त होता है यहीं पर। और अगले वीडियो में आपको समर ओकेशन का ढेर सारा होमवर्क दिया जाएगा।